नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप स्वामी और आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड, हेल्प फॉर बेटरमेंट। दोस्तों, हम सभी लोग ड्राइविंग करते हैं। ड्राइविंग करते टाइम हमसे बहुत बार ड्राइविंग के जो नियम है वो टूट जाते हैं और उसी दौरान आपका जो चालान है कई बार कट जाता है। तो आज की वीडियो आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप ड्राइविंग का जो चालान है उसको घर बैठे ऑनलाइन भर सकते हैं, RTO के जो चक्कर है उनको काटने से बच सकते हैं। वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ किस तरह से आपको वहाँ पे आपका चालान भरना है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट देखिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपका चालान कट जाता है, अगर आप उसको टाइम पर नहीं भरते हैं तो आपको कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। आज की वीडियो अपन बात करने वाले हैं किस तरह से आपका चालान है वो ऑनलाइन आप भर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर आ जाना है। इसका जो लिंक है आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्ट इस पोर्टल पर आ सकते हैं। इस पोर्टल का जो ऑफिशियल डैशबोर्ड है आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है, जहाँ पे आप तीन तरीके से अपना चालान है उसको देख सकते हैं। पहला है, अगर आपके पास चालान नंबर है तो वह आप यहाँ पे एंटर करके कैप्चा कोड डाल के आपका जो चालान नंबर है उसको सर्च कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, आपके पास अगर व्हीकल नंबर है तो आप व्हीकल नंबर भी यहाँ पे एंटर करके आपका जो चालान है उसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। व्हीकल नंबर अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको आपका इंजन नंबर है वो और चेसिस नंबर आपको एंटर करना रहेगा। उसके बाद में आपको कैप्चा कोड डाल के गेट डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ये डिटेल एंटर करते हैं आपका व्हीकल का चालान है आपके सामने आ जाता है। और तीसरा ऑप्शन है, आपका जो DL नंबर है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। DL नंबर डालने के बाद आपका कैप्चा कोड डालना है। उसके बाद में आपको गेट डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना चालान है वो चेक कर लेना है। अब अपने बात करते हैं कि आपका जो चालान नंबर है इसके हिसाब से आपका चालान अगर कट चुका है, आपके पास चालान नंबर है तो आप जैसे ही चालान नंबर यहाँ पे डाल के कैप्चा कोड एंटर करते हैं, गेट डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से आपके जो चालान का डिटेल है नीचे आपके सामने आ जाता है, जहाँ पे आपका व्हीकल का नाम आ जाता है, चालान किसके नाम से कटा है उसका नाम आ जाता है, चालान कौन सी डेट को कटा है, कब कटा है, कितने रुपये का कटा है, सारी डिटेल आपके यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। इसी के साथ में आपको यहाँ पे चालान प्रिंट का एक ऑप्शन दिया गया है, जहाँ से आप अपना चालान है उसको प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने बाद में इसका आप यहाँ पे प्रिंट निकाल भी सकते हैं। इस चालान पे आपकी जो फोटो है जिस टाइम आपका चालान कटा था वो फोटो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा किस कारण से आपका चालान कटा है वो रीज़न भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कितने रुपये का चालान कटा है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब अपन यहाँ पे बात करें कि इसको पेमेंट कैसे करना है, तो सिंपली आपको पे नाउ का ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, गेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही OTP आता है वो OTP यहाँ पे आपको एंटर करके वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, जहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद में आपके सामने आपकी डिटेल यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद में आपको प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे बैंकिंग से रिलेटेड ऑप्शन आ जाते हैं। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, जी हाँ, पेटीएम, ATM, डेबिट कार्ड, फ़ोनपे, मोबाइल नंबर, जहाँ से भी आप पेमेंट करना चाहते हैं इस ऑप्शन को ही आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप किसी बैंक की नेट बैंकिंग यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हैं, SBI करनी है तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट SBI का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप किसी अदर बैंक की यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अदर बैंक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद में आपको अपना बैंक है वो सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे HDFC को सेलेक्ट कर लेता हूँ। HDFC को सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपका जो नेट बैंकिंग का ID पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगी। जैसे ही आपकी यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुली हो जाती है नीचे क्लिक हियर का ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये चालान है, इसका आप यहाँ पे प्रिंट निकाल सकते हैं, इसको आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे इसको डाउनलोड का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है, जिसको आप यहाँ पे प्रिंट भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे जैसे ही बैक करते हैं तो आप यहाँ पे अपना स्टेटस है वो भी देख सकते हैं कि आपका जो पेमेंट स्टेटस है वो यहाँ पर पहले पेंडिंग आ रहा था, अब डिस्पोज्ड आ चुका है, मतलब आपका जो चालान है ऑनलाइन फिलअप हो चुका है। इस तरह से आप घर बैठे ही अपना जो चालान है ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं, आपको कोर्ट के चक्कर से आप यहाँ पे बच सकते हैं। अब अगर आपका चालान यहाँ पे फिलअप हो चुका है तो आप यहाँ पे अपनी जो रिसिप्ट है इसको भी प्रिंट कर सकते हैं, जिसपे आपका जो चालान है डिस्पोज लिखा हुआ आ जाएगा। तो दोस्तों, RTO के चालान से संबंधित ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके, अपना जो RTO का चालान है घर बैठे भर सके। इसी के साथ में आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए ताकि हमारे जो आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।